हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये सिंपल सा फोर लाइन का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। इसे मैंने पर्ल डिज़ाइन का नाम दिया है क्योंकि ये मोतियों की तरह उभरे हुए स्टिच हैं। इसमें देखने में जितना खूबसूरत है, बनाने में उतना ही सिंपल डिज़ाइन है ये। ये इस डिजाइन की फर्स्ट लाइन है। इस फर्स्ट रो को हम कंप्लीटली नेट कर लेंगे सीधा। रॉन्ग साइड रो, सेकेंड रो को भी हम पूरा कंप्लीटली उल्टा बुनाई कर लेंगे। सेकेंड लाइन नेट करने के बाद अब हम थर्ड लाइन में डिजाइन बनाएंगे। पहला फंदा हमेशा की तरह उतार लेंगे। सेकेंड और थर्ड लूप को इस तरीके से एक साथ लेंगे और सीधे जब हम बुनाई करते हैं तो हम ऐसे लेते हैं, तो हमें ऐसे नहीं लेना है, हमें ऊपर से लेना है। हर दो फंदे को सीधा बुनते हुए धागा ऐसे ऊपर से लेना है, उल्टा तरीके से मतलब बुनाई करनी है। इस तरीके से धागे को उल्टा चलाना है। सीधा ही बुन रहे हैं हम लोग और यान और लूप्स को पीछे की तरफ से ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसे नहीं ले रही सीधा बुनते वक्त जैसे लेते हैं, पीछे से ले रही हूं और धागा भी उल्टी तरफ से चला रही हूं। इस तरीके से हर बार दो दो लूप्स को लेते हुए मैं इस डिजाइन रो को, ये थर्ड रो है हमारी, इस तरीके से बना लेंगे। और ये लास्ट फंदा है हमारा, जिसको निप कर लेंगे इस तरीके सीधा। ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। रॉन्ग साइड रो, फोर्थ रो है ये हमारी डिजाइन की। इसको इस तरीके से सीधा बुनने के वे में उतार लेंगे और फिर यहाँ बीच में इन दोनों लूप्स के बीच का जो ये जो गैप है, यहाँ पे जो जंप सा दिख रहा है, इसमें एक इस तरीके से फंदा उठाएंगे। क्योंकि हमने पिछले लाइन में फंदों को घटा दिया था, इस लाइन में हम उन्हीं फंदों को उठा लेंगे इस गैप में। इस तरीके से सीधा बुनेंगे और फिर इस लूप को सीधा बुनेंगे, मतलब हर दो लूप के बीच में से एक फंदे को सीधा बुनते हुए पिक कर लेंगे। लेकिन कहाँ से पिक करना है उस पे ध्यान दीजिएगा।
आपको क्लियरली यहाँ पे एक जंप शो होगा दो लूप्स के बीच में, वहीं से आपको सीधा बुनते हुए एक लूप पिक कर लेना है। जो फंदे हमने थर्ड रो में डिक्रीज किए थे उन्हीं फंदों को हम इस फोर्थ रो में इंक्रीज कर ले रहे हैं, और ये लास्ट का लूप है उसको नॉर्मल सीधा बुन लेंगे। इस तरीके से ये चार लाइनों में ये डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम फिर से अपनी फर्स्ट रो को, जो कि सीधा बुनाई करने की रो होती है, उसको हम रिपीट करेंगे। ये हम फर्स्ट रो रिपीट करेंगे, इसी तरीके से बुनाई करते हुए हम इन्हीं चार लाइनों को रिपीट करते हुए हम इस डिजाइन को बनाते जाएंगे। आप ये किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, निटिंग प्रोजेक्ट में, स्वेटर में डालें, कार्डिगन में डालें, कैप में बनाएं, सॉक्स में बनाएं या फिर स्कार्फ में बनाएं। ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है ना ये पर्ल डिजाइन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।